रहा है सुबह का। अरे वहाँ गेट खुला हुआ है वॉचमैन ने, अच्छा हुआ। ये कैब वेट कर रही है, कैब में बैठने दो फिर बात करते। चलो चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग एक छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं एंड ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ने ये प्लान बनाया है, बिकॉज अभी शायद से लॉकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बिकॉज 3 साल से घर पे बैठे थे यार, 3 साल से कहीं पर गए नहीं थे, तो सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। तो फाइनली आज हम लोग निकल रहे हैं हमारी रोड ट्रिप पर एंड हम लोग का रूट कुछ इस तरह होने वाला है। हम लोग टोटल 5 जगह पर जाने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट प्लेस इज़ गोइंग टू बी मैसूर, सेकेंड इज़ गोइंग टू बी ऊटी, थर्ड हम लोग जाने वाले हैं रामेश्वरम, फोर्थ रहेगा कन्याकुमारी एंड लास्ट में हम लोग जाने वाले हैं तिरुपति। भैया यार ये कोरोना वापस से बढ़ गया है क्या? वापस से ओमिक्रॉन, क्या ओमिक्रॉन बीमिक्रॉन क्या है यार, ये वापस से आ गया कोरोना, वापस से लॉकडाउन लगने वाला है। 2022 का स्टार्ट कुछ खास हुआ नहीं है यार इस बार, मतलब काफी वियर्ड साल जा रहा है ऐसा लग रहा है। सुबह 6:30 बजे की चाय, बढ़िया चाय। तो अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, वी आर ऑन आर वे टू द एक्सप्रेस वे। हम लोग अभी जस्ट एक्सप्रेस वे पे टच करेंगे एंड हम लोग हमारी जर्नी फाइनली स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ब्रेक हम लोग का मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे जो वो फूड मॉल लगता है, तो अभी हम लोग ने हमारा फर्स्ट ब्रेक अभी लिया है, तो अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं थोड़ा। अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग के 209 किलोमीटर टोटल कंप्लीट हो गए और टोटल शायद से कुछ तो 800 किलोमीटर है। अभी हम लोग को 12 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते करते एंड अभी हम लोग का शायद से लास्ट ब्रेक रहने वाला है। अभी शायद से और 200-250 किलोमीटर और बाकी है यार, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, फक बहुत लंबी रोड ट्रिप हो रही है और पेशेंस अभी बिल्कुल भी नहीं रहे, पेशेंस अभी सुबह से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। बज रहे हैं 11:45 एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ खाया नहीं है, सोच रहे हैं अभी कुछ ऑर्डर करते हैं। अभी जस्ट हम लोग ने होटल में चेक इन किया है, सो खा के मैं तो सीधा सोने वाला हूँ एंड मैं आपको कल मिलता हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम मसूरी एंड गाइस टुडे इज आवर फर्स्ट डे इन मसूरी एंड आज हम लोग मसूरी में थोड़ा घूमने वाले हैं एंड हम लोग ने एक गाइड भी हायर किया। हम लोग जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ से हम लोग ने एक गाइड हायर किया है जो हम लोग को मसूरी के अराउंड हमें घुमाने वाला है। हमारा आज का प्लान कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हम लोग मसूरी एक्सप्लोर करेंगे एंड हम लोग आज ही ऊटी के लिए निकल जाएंगे, बिकॉज हम लोग फटफट हम लोग एक्सप्लोर करके हम लोग को बिकॉज आगे भी जाना है, इसके वजह से हम लोग आज
ऊटी के लिए निकल जाएंगे. एंड ऊटी इज समवट 160 किलोमीटर्स फ्रॉम मसूरी. एंड हम लोग का अभी तक तो यही प्लान है. अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस आते हैं. और मैं अपना ब्रश भूल गया था, इसलिए मैं ब्रश लेने गया था. तो जल्दी से फटफट रेडी होते हैं एंड लेट्स बिगिन द ट्रिप. पैलेस देखने के लिए. एंड काफ़ी सुना है इस पैलेस के बारे में, बट आज पहली बार देखेंगे. सामान लोड किया जा रहा है. क्या लिया तुमने? हम लोग ने होटल से एक गाइड को हायर किया था, पर गाड़ी में वो बोला था कि हमारे साथ गाड़ी में आएगा वो, पर गाड़ी में हम लोग की जगह नहीं है. देखो यहाँ पे पूरा बैग पूरा पैक है हम लोग का, गाड़ी तो जगह था नहीं, तो हम लोग ने उसको वापस भेज दिया. वहाँ पे जाके गोदी पे पैलेस पे पहुँच कर ही देखते हैं वहाँ पर, अगर कोई गाइड मिल गया तो ठीक है, तो घूम लेंगे अपना अपना. तो आप सामने ये जो स्टैचू देख रहे हो, ये बेसिकली मैसूर के राजा का स्टैचू बनाया हुआ है, जिसके पैलेस में अभी हम लोग जा रहे हैं. पार्क कर दी हमारी गाड़ी और ये पैलेस बहुत ही बड़ा लग रहा है यार. बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर जाके कैसा होगा यार. अभी मैं ट्राईपॉड साथ में लेके तो जा रहा हूँ. माइक तो मैंने कार में रख दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो माइक अंदर अलाउ करेंगे. मेरे पीछे मैसूर का फेमस पैलेस, एंड मतलब काफ़ी बड़ा पैलेस है एंड काफ़ी मैजेस्टिक फीलिंग आ रही है देख के. बिकॉज अभी तक इसके कुछ कुछ चीज़ों का रेनोवेशन हो चुका है, बट कुछ कुछ चीज़ें वैसी की वैसी है. इस पैलेस की एक खास बात बताता हूँ कि जो इस पैलेस का जो राजा है, वो साल में हर साल एक बार फेस्टिवल सीजन के टाइम पे आते हैं, एंड उस टाइम पर पूरे मैसूर एंड पूरे इस पैलेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है लाइट्स के साथ. एंड मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, पूरे मैसूर में कम से कम 10,000 लाइट्स जलती है तभी जब भी महाराजा यहाँ पर आते हैं तभी. रियल गोल्ड. सो आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये एक ज़माने में जो यहाँ के जो राजा थे उनका सीट हुआ करता था. एंड दिस इज 700 kgs एंड इट्स प्योर गोल्ड. मुझे इस पैलेस की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है. लाइक यहाँ के टाइल्स से लेकर यहाँ के वॉल्स एंड पेंटिंग्स में तक इतनी माइनर डिटेल्स है, आप उनको बहुत अच्छे से और बहुत बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो.
मेरे बाजू में देख रहे हो, तो ये बेसिकली ये राजा की जो फैमिली थी वो यहाँ पर रहती थी, और जो पैलेस है वहाँ पर सारी जो एक्टिविटीज या फिर जो भी फंक्शंस होता था तो वो वहाँ पर कंडक्ट होती थी। अभी हमारा पैलेस देखकर कंप्लीटली हो चुका है, एंड अभी जाकर थोड़ी पेट पूजा करनी है, बिकॉज हम लोग सुबह उठकर सीधा हम लोग पैलेस देखने के लिए आए और हमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो अभी सबसे पहले तो जाके हम लोग नाश्ता करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे जू में।